इजरायली फौज ने गाजा के हर कोने को खंडहर में तब्दील कर दिया है और यहां तक कि गाजा में अस्पतालों को भी इजरायली फौज ने नहीं बख्शा। इजरायली फौज ने यह आरोप लगाया कि अस्पतालों के नीचे हमास ने अपने अंडरग्राउंड बंकर बनाए हुए थे और ऊपर उनमें मरीजों का इलाज चल रहा था। इन अस्पतालों को भी IDF ने मलबे में तब्दील कर दिया। इजरायली सेना पर गाजा के भीतर अत्याचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और इसी कड़ी में गाजा के अल शिफा अस्पताल में भी IDF पर इसी तरह के कत्लेआम करने का आरोप लगा था। बता दें कि IDF ने अल शिफा अस्पताल पर नवंबर 2023 को अटैक किया था। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना लगातार इन आरोपों को खारिज करती आई है और अब इसी कड़ी में इजरायली सेना को गाजा के भीतर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इत्ज़र हॉफमैन, जो इजरायली सेना का अधिकारी था, उसके मारे जाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इत्ज़र का गाजा में नरसंहार से क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि नवंबर 2023 में इजरायली सेना ने गाजा के अल शिफा अस्पताल पर हमला किया था और इस हमले में आरोप लगा था कि IDF ने अस्पताल के भीतर निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया था और इस पूरे कत्लेआम के पीछे IDF के अधिकारी इत्ज़र हॉफमैन के होने का आरोप लगा था। दरअसल हमास की सैन्य शाखा कासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उसने हॉफमैन को मार गिराने का दावा किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब अलशिफा अस्पताल पर IDF ने हमला किया था, तब हमास ने इस हमले में शामिल IDF के अधिकारियों की खुफिया तरीके से पहचान कर ली थी और तब से ही हॉफमैन हमास के निशाने पर था। और अब हॉफमैन को मार गिराने को लेकर अल कासिम ब्रिगेड ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें उसने कहा, अल कासिम ब्रिगेड ने स्नाइपर राइफल से स्पेशल शालदाग यूनिट के इत्ज़र हॉफमैन की निगरानी और ट्रैकिंग की और उसे मार गिराया। उल्लेखनीय है कि अधिकारी नवंबर 2023 में उत्तरी गाजा पट्टी में अल शिफा अस्पताल को घेरने और उस पर हमला करने के लिए जिम्मेदार था। आपको बता दें कि अल कासिम ब्रिगेड ने अपने इसी बयान में आगे कहा है कि इत्ज़र हॉफमैन को गोली उसके हेलमेट को चीरती हुई लगी है और अल कासिम ब्रिगेड के जिस लड़ाके ने हॉफमैन को मारा है उसकी विशेष ट्रेनिंग भी की गई थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हमास ने गाजा के भीतर इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर स्नाइपर राइफल से हमला किया हो। इससे पहले भी हमास कई ऐसे वीडियो जारी कर चुका है जिसमें IDF को निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ गाजा के भीतर अभी तक IDF को 591 से ज्यादा जवानों का नुकसान हुआ है।